अस्सलाम वालेकुम, बिज़नेस मैथ वालों के साथ मेरा लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर नंबर 1। हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी और हम सेट बी पढ़ रहे हैं, सेट ए हम कर चुके हैं। हमने क्वेश्चंस किए हैं रेशियो वाले, उनकी सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, पढ़ना है, जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेनी है, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको सेपरेट करके लिख लेना है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 1.10 का, तो ये फैक्ट्री 12 मैंस जो कि कंप्लीट कर रहे हैं वर्क इन 20 डेज, तो हमारे पास मैन और डेज़ का डाटा है, तो मैन हमारे कम हो गए और डेज़ हमारे हमें नहीं पता, तो हमारे पास एक्स है। सिंपल हमने रेशियो लिखी और फंडामेंटल मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इनवर्स प्रपोर्शंस, क्योंकि हमारे पास जो मैन हैं वो ज़्यादा हो गए हैं और डेज़ कम हो रहे हैं, तो अप्लाइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रपोर्शन, तो हमने क्या करना है, प्रिंसिपल प्रपोर्शन के थ्रू करना है, मतलब 8 को x से मल्टीप्लाई करना है और 12 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हमारे पास हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाती है, तो हमारे पास x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1.11, ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, इसमें भी हमने ऐसे ही फाइंड करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल के थ्रू हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसकी प्रपोर्शन फाइंड करनी है। हम ये याद रखिएगा कि हम फर्स्ट वैल्यू को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सेंट्रल टू वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उससे हम एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन एक चीज़ है कि जब हमारे पास ये दो चीज़ें थी, हमने सिंपली दो चीज़ों को डिस्कस किया है, मतलब टू वेरिएबल्स के थ्रू हमने किया, लेकिन 1.19 जैसे क्वेश्चन है और इसके आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, 3 चीज़ें गिवन होंगी 2 की जगह, ठीक है। अब सर्टेन फैक्ट्री मेक्स 160 बॉक्सेस एंड 16 डेज, मतलब एक फैक्ट्री है और वो कितने बॉक्सेस बना रही है कितने दिनों में। अब उन्होंने ये तीनों चीज़ें वैल्यूज़ गिवन दिए, मतलब हमारे पास हम लिख लेंगे डेज़, वर्कर्स और बॉक्सेस, डेज़ भी हैं, वर्कर्स भी हैं और बॉक्सेस भी हैं। लेकिन नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन में देखें हाउ मैनी डेज़ आर नीडिड, हमें डेज़ फाइंड करना है जो कि हमें नहीं पता, तो इट्स मीन हमारे पास अब जो डे होगा वो एक्स होगा और जो आगे हमारे पास बॉक्सेस और वर्कर्स हैं वो हमारे पास गिवन है, वो हमने लिख लिए। एक चीज़ बेटा याद रखिएगा, अगर एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया इट्स मीन आपने सारे क्वेश्चन वैसे ही कर लेने हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास डेज़ हैं, वर्कर्स हैं और बॉक्सेस हैं, डेज़ हमारे पास नहीं है, जो चीज़ नहीं होगी वो हम एक्स लिख लेंगे, वर्कर्स और बॉक्सेस हैं। अब देखें रेशियो ऑफ़ वर्कर्स और रेशियो ऑफ़ बॉक्सेस, तो इनका आपस में कौन सा रिलेशन है, जो वर्कर्स का है वो इनवर्स है क्योंकि वर्कर्स कम हो गए हैं, और बॉक्सेस का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब हमारे बॉक्सेस पहले से ज़्यादा हो गए हैं, और डेज़ का हमारे पास रेशो जो होगा वो 16 और एक्स होगा क्योंकि एक्स हमें नहीं पता डेज़ कितने, वो चीज़ हमने फाइंड करनी है, प्रोपोर्शन हमने फाइंड करनी है, तो हमने उनको क्या करना है, सिंपली लिख लेना है जो प्रोपोर्शन मैंने अभी लिखी है डायरेक्ट इनवर्स और डेज़ की, इसी तरतीब से हमने लिख लेना है 40 और 48। फिर हमारे पास 16 और x जो प्रपोर्शन, याद रखिएगा जो प्रपोर्शन हमने फाइंड करनी है, जिस प्रपोर्शन की हम फाइंड करेंगे उसको सेंटर में रख के, तो फर्स्ट और लास्ट को हम लिख लेंगे इस तरतीब से, ठीक है। ये मेथड आप देख लें, अप्लाइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन, तो इसी ही मेथड से हमने सारे क्वेश्चन करने हैं। हमने जो चीज़ फाइंड करनी होगी वो मिड में आ जाएगी, बाकी दो प्रपोर्शंस आ जाएंगी इस तरह। फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट को एक्स के साथ और थर्ड वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमने फाइंड कर लेना है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसी मेथड से करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1.21 है, इस क्वेश्चन को भी हमने सेम इसी तरह ही करना है। यहाँ पे भी हमारे पास 3 चीज़ें गिवन हैं, तीनों चीज़ों को हमने लिखना है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हम पहले लिख लेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने जो चीज़ फाइंड करनी है उसकी जगह वैल्यू लिखेंगे, बल्कि उसकी जगह हमारे पास एक्स आ जाएगा। हमने x लिखना है, रेशो ऑफ मैंस, यहाँ पे मैन है उनका रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स है, रेशो ऑफ आवर्स कितने घंटे हैं वो भी इनवर्स में ही है, और प्रपोर्शंस हमारे पास कौन सी आएगी, जो हमने फाइंड करनी है डेज़ की, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका 1.19 की तरह ही है, आपने उसी तरतीब से वैल्यूज़ लिख लेनी है, जो चीज़ देखिए अब हमने फाइंड करनी है प्रपोर्शन, तो वो हम सेंटर में लिखेंगे, ठीक है, सेंटर में लिख के हम उसको फाइंड कर लेंगे, और जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है उस तरह हम उसमें अप्लाई फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रपोर्शन हम अप्लाई करेंगे। हमने एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है 7 और 60 से,
याद रखिएगा हमने डोमेन को लेके चलना है, फर्स्ट टू वैल्यू डोमेन और एक्स की वैल्यू के साथ, ठीक है। 60 और 42 था तो हमने 60 लिया, 60 और एक्स था एक्स की वैल्यू लेंगे, और 7 और 8 है तो हमने 7 लेंगे। बाकी जो दोनों वैल्यूज़ होंगी 48, 8 और 60, वो हम अलग करके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर एक्स की वैल्यू के साथ जो भी वैल्यू होगी वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी और एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी, मतलब जो हमने डेज़ फाइंड करने हैं वो डे की वैल्यूज़ आ जाएगी जो कि हमें नहीं पता थी। क्वेश्चन नंबर 1.24, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमारे पास जो डाटा है वो कुछ फील्ड्स वाला, फार्मर वाला है। 16 काउज अज्यूम 630 केजीज ऑफ है इन द 18 डेज। हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमने उसको फाइंड करनी है, काउज भी हैं हमारे पास, हाई भी है और डेज भी हैं। हाउ मैनी काउज विल ईट, जो वो खाती हैं वो कितना केजीज है, और डेज और सेम रेट, मतलब हमारे पास काउज नहीं, जो सेकंड चीज़ हमने फाइंड करनी है वो काउ, और उसको हमने एक्स के साथ लिख लेना है उसी सेम मेथड के थ्रू जो हमने क्वेश्चन फाइंड किया 19 और 21। फंडामेंटल हम प्रिंसिपल प्रोपोर्शन लगाएंगे, हमने फाइंड कर लेना है 28 एक्स और 630 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, 18 14 और 770 को हमने मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेना है, ठीक है। 1.26 क्वेश्चन आपने करना है, इसका थोड़ा सा मैंने हिंट आपको दे दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, आप इसको क्वेश्चन को इजीली कर लें, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जब आप पढ़ेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.27 ये लास्ट क्वेश्चन है और आपका चैप्टर भी वैसे कंप्लीट हो चुका है। अब ये क्वेश्चन के अंदर एक फैक्ट्री है जो मेक्स यूनिट्स इन 7 डेज विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। अब आपके पास डेज़ का डाटा है, मशीन्स हैं और आपके पास यूनिट्स हैं। डेज़ अगेन आपके बढ़ गए हैं और मशीन्स कम हो गई हैं, ठीक है, और यूनिट्स आपके पास नहीं है। यूनिट्स में हमने एक्स लिख लेना है, यूनिट्स हमने फाइंड करने हैं। रेशियो ऑफ डेज हमारे पास 7 और 10 है, ये डायरेक्ट है, और रेशियोज ऑफ मशीन्स ये भी हमारे पास डायरेक्ट का ऑप्शन आ गया है, डायरेक्ट हमारे पास रिलेशनशिप आ गया है। रेशियोज ऑफ डेज हमने फाइंड करने हैं और उसी फंडामेंटल मेथड के थ्रू हमने उसको फाइंड कर लेना है। हम फर्स्ट वैल्यू लेते हैं 720 और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी जो रह जाएगा 10 560 और 18, यह हम इसको मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। याद रखिएगा बेटा जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है वो एक्स होता है, और एक्स हम अलग से लिख लेते हैं, और जो ये मेथड है फंडामेंटल वाला उसमें हमने क्या करना है, थर्ड रेशोज़ है, तीन रेशोज़ हैं, और जो चीज़ जो रेशो हमने फाइंड करनी होती है उसको हम हमेशा मिड में लिखते हैं, और जब भी हम उसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट जो रेशो गिवन होती है उनको लेते हैं और एक्स को लेते हैं, ठीक है। एक्स वाला रेशो हमेशा फर्स्ट पे लिखते हैं, मतलब 7x और 20 को लेंगे, 10 560 और 18 को। सेम इसी मेथड के थ्रू हमने बाकी क्वेश्चन भी फाइंड किए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं वो भी इसी तरह के ही सेम क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इजीली आपने सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है, जैसे ही क्वेश्चन उसके अंदर गिवन होते हैं आपने उसी तरतीब से वैल्यूज़ लिखनी होती हैं, और ये जो थर्ड रेशो वाला है उसको आपने इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।